कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में जारी है। हर दिन इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के इस कोहराम को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सरकार द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें एहतियात बरतने को लेकर समझाइश दी गई है। वहीं सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भी कड़े कदम उठा लिए हैं। प्रशासन ने आगामी कुछ दिनों के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम स्थगित करने के लिए अपील की है, तो वहीं मार्केट को बंद करने के लिए आदेश जारी किए हैं। बढ़ते कोरोना वायरस और प्रशासन के आदेश को देखते हुए इंदौर शहर के कई प्रमुख बाजारों के व्यापारियों ने अपने संस्थान को कुछ दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इसके चलते शहर का प्रमुख 56 दुकान बाजार 7 दिनों के लिए बंद रहेगा। वहीं व्यापारियों ने अपनी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था की है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें, लोगों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यहाँ पर आने वाले लोग प्रभावित नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे वो, कि कोई भी कभी आ सकता है पीड़ित, उसमें तो उनको भी बीमारी दे जाएगा। हमारे वर्करों का हमने सब, हमारे मोबाइल भी चालू हैं, उनका पूरा इंतजाम कर रखा है हम लोगों ने। उनका राशन पानी जो भी है, पूरा का पूरा पैसा, ये वो, मतलब कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और हम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारा वर्कर, कोई अगर तकलीफ़ आ गई, वर्कर को तकलीफ आ गई तो हम फिर व्यापार आगे खोल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी देखने को मिला। यहाँ स्थित शक्तिपीठ माता बिरासनी मंदिर और उचहरा गांव में स्थित ज्वाला धाम में समस्त श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही अपील की है कि जनमानस अपने अपने घर से पूजा आराधना करें। नगर पालिका द्वारा नवरात्रि की अष्टमी से एक मेला यहाँ आयोजित किया जाता है चैत्र का। उसके संबंध में हमने अपने परिषद से यद्यपि पास करा लिया था पहले ही, पर अभी ये कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हमारे संचालनालय के दिनांक 17/3 को एक लेटर जारी हुआ है कि आगामी आदेश तक सारे सार्वजनिक समारोह स्थगित रहेंगे। खरगोन जिले में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही कैंप के माध्यम से स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किस तरीके का उद्देश्य है जिसको लेकर आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं? आज जो आयोजन किया है वो कोरोना से बचाव के लिए हम लोग दवाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30। उसका आज हम लोग DRP लाइंस के जितने भी होम हैं, जितने भी घर हैं, वहाँ पर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट उनके जवानों के माध्यम से करने का एक प्रयास किया है। तो आज सभी लोगों को हमने एक टीम बना ली है, उनमें से 3 टीमें बनाकर उन सभी लोगों को हमने गाइड कर दिया है कि किस तरह से दवाई हमको पहुँचाना है और किस तरह से दवाई लेना है। तो वो सारी टीमों को हम लोग दवाई प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो डोर टू डोर सभी को प्रोवाइड करेंगे। आम लोगों में भी ये दवाई बटेगी सर? आम लोगों में भी हम लोग कंटिन्यूसली बांट ही रहे हैं। अभी हमने काफ़ी सारे कैंप करे हैं, वहाँ पर भी हम लोग दवाई दे ही रहे हैं। क्या फायदा है हॉस्पिटल से भी ये दवाई निःशुल्क मिल रही है? हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, पुराने हॉस्पिटल परिसर में होम्योपैथी। उज्जैन जिले के तराना में उप पंजीयक कार्यालय में सभी को जागरूक किया गया। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे ने नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर कर्मियों को आदेश दिए हैं और तराना सहित प्रदेश की जनता से सुरक्षा संबंधित अपील की है। गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, उनका जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। शहर में जो 144 धारा लगाई गई है, उसके तहत जो भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनमें अपनी अभी सहभागिता को जो है कुछ समय के लिए हम रोकें। और दैनिक उपयोग में भी जो है स्वच्छता और नमस्ते दुआ सलाम की जो परंपरा है, उसको जो है अपनाने का प्रयास करें। उमरिया से प्रवीण तिवारी, खरगोन से अबरार पठान, तराना से सैयद नियामत अली। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।